हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका फिजियो डॉक्टर सुनील बघेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे फ्रैक्चर के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है एक फ्रैक्चर में, वो आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि कई बार ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती है, और कई बार जब फ्रैक्चर हील हो जाता है आपका, तो आप फिजियोथेरेपी को बहुत बार अवॉइड कर देते हैं या इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, और इस चीज़ का खामियाजा कई बार आपको फ्यूचर में भुगतना भी पड़ता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर के जो टाइप होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अगर सपोज़ ये एक बोन है, तो अगर इसमें सिंपल अगर इस तरीके से दो टुकड़ों में हड्डी अगर टूटती है तो उसे हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं, और अगर जो फ्रैक्चर लाइन है वो अगर तिरछी हुई है तो उसे हम स्पायरल फ्रैक्चर बोलते हैं। कई बार हड्डी दो टुकड़ों में भी टूटती है तो वो भी फ्रैक्चर का एक अलग टाइप है। कई बार कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी चकनाचूर हो जाती है, और कई बार तो ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डी टूट करके बाहर आ जाती है। तो हर एक फ्रैक्चर्स के कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं, फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस अलग होती है, और उसमें फिजियोथेरेपी का रोल अलग होता है। फ्रेंड्स, होता यह है कि कई बार जब व्यक्ति को फ्रैक्चर होता है और एक प्रोसेस होती है बोन की हीलिंग की, वो 21 दिन की प्रोसेस होती है, जिसमें स्टेज अलग अलग स्टेज होती है, स्टेज ऑफ कैलस होती है, इसके स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, और कई बार फ्रैक्चर हील होने के बाद में फिजियोथेरेपी को इतना सिंसियरली नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार फ्रैक्चर के बाद में जो आपकी फिजियोथेरेपी होती है उसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे आप अपनी जो फ्रैक्चर के पहले वाली स्टेज थे उसी को वापस से इम्प्रूव करके, ग्रो करके, आपका जो फ्रैक्चर साइट है वो वापस वैसी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी जो है वो एक अपने आप में रिहैबिलिटेशन पार्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी अवस्था को उसकी पूर्व अवस्था में वापस लेकर के आना। तो फिजियोथेरेपी का इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी फ्रैक्चर हीलिंग में। पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस के बहुत सारे केस रहते हैं जिसमें आपकी हड्डी तो जुड़ जाती है पर प्रॉपर तरीके से उसकी रेंज ऑफ मोशन नहीं आ पाती, क्योंकि जो 21 दिन का आपका प्लास्टर कास्ट चढ़ा होता है उसमें हड्डी पूरी जाम हो जाती है। हील तो हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी, बट वो स्टीफ हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि सपोज अगर एल्बो में फ्रैक्चर हुआ है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है सपोज, तो प्लास्टर कास्ट होने के कारण आपका जो फ्रैक्चर कास्टिंग है वो यहाँ यहाँ तक आता है, जिसमें आपकी रिस्ट भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई और शोल्डर मूवमेंट भी आपका कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपके एल्बो में फ्रैक्चर हीलिंग तो हो जाती है, हड्डी जुड़ जाती है, बट आप देखेंगे कि जब फ्रैक्चर के बाद में प्लास्टर कास्ट हटता है तो आपकी रिस्ट में भी कई बार पेन होता है, स्टिफनेस रहती है, आपके शोल्डर में भी पेन स्टिफनेस रहता है, और कई बार पेन के साथ में स्वेलिंग भी रहती है। तो उसमें हमेशा डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं, और फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको करके आप उस स्टिफनेस को कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपी में जो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस के जो केसेस होते हैं उसमें हम कई बार स्टिफनेस को कम करने के लिए वैक्स बाद का यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, स्क्रैचिंग टेक्निक है, उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन के लिए असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, रजिस्टर्ड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, जिनको करके और करवा करके आप अपने मसल्स की जो पावर है, इंड्यूरेंस है, उसको वापस से गेन कर लेते हैं। और कई बार जो लोग फिजियोथेरेपी का महत्व नहीं समझते और वो लोग नहीं करवाते हैं फिजियोथेरेपी, तो फ्यूचर में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आते हैं, पेशेंट जो बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ था या उनकी बॉडी में बोन में रॉड वगैरह डली थी, बट उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई तो उसके कारण उनको हल्की सी लचक आज भी रह जाती है। तो कई बार जो रेंज ऑफ मोशन भी आप देखेंगे कि पहले जितना हाथ मुड़ता था उतना नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन नहीं होता है, क्योंकि आप समझ लेते कि ये फ्रैक्चर हो गया है तो अब ये रेंज ऑफ मोशन उसकी वापस नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रैक्चर हीलिंग के बाद में फिजियोथेरेपी को महत्व देते हैं और फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो ये फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो इसी तरीके से है कि आपकी जो पावर और रेंज ऑफ मोशन है वो वापस आए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप सिंपल सी जो हीलिंग प्रोसेस है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आप बहुत महंगी से महंगी सीमेंट लेकर के किसी दीवार को आप खड़ा करें और अगर उसमें पानी की जो तरी करते हैं वो ना करें तो उसकी मजबूती नहीं आती है, उसी तरीके से किसी भी फ्रैक्चर हीलिंग के बाद में फिजियोथेरेपी का ये रोल होता है कि आपकी जो पावर है वो वापस आ जाए और कई बार उससे अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप फिजियोथेरेपी को इम्पोर्टेंस दें, किसी भी तरीके की फ्रैक्चर के बाद में नॉर्मल अगर आपको पेन रहता है, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो हमेशा फिजियोथेरेपी करवाएं, प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, और उसके बाद में जो भी आपका रिहैबिलिटेशन पार्ट है उसको ज़रूर कंप्लीट करें।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी आपको इस तरीके का कोई केस दिखे, फ्रैक्चर के बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या रेंज ऑफ मोशन में या किसी और तरीके की प्रॉब्लम, जैसे कि पेन भी रहता है कई बार, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट और आर्टेरियल इन्वॉल्वमेंट होने के कारण भी फ्रैक्चर हील होने के बाद प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिले और अपनी फिजियोथेरेपी को कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।